धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया, इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूंगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NSA लगाकर अंदर रखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहाँ नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। सर, संविधान खतरे में, हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथालपुरना एरिया से, जब संथालपुरना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथालपुरना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए, इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है, जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हमारे यहां जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15-17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123% जय, मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है।
दूसरा सर, हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और यह झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। NRC लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एक्सपर्ट को रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।